गंज बासोदा में बालाजी पेट्रोल पंप पर पुलिस वालों ने की कर्मचारी के साथ मारपीट। जी हां, गंज बासोदा बस स्टैंड क्षेत्र स्थित बालाजी पेट्रोल पंप पर रात के समय चार आरक्षकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी रोहित यादव और कमलेश रघुवंशी के साथ डंडों से जमकर मारपीट की। आरक्षक द्वारा पंप कर्मचारी के साथ की गई मारपीट की करतूत पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय व पेट्रोल पंप संचालक ने थाने में लिखित आवेदन दिया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सौंपी। इन लोगों की मांग है कि पंप कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक को मजबूरी में अपने अपने पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेंगे। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। मेरा नाम रोहित यादव है। क्या हुआ सर जी? करीब एक बजे करीब दो लोगों एक मोटरसाइकिल से आए, पेट्रोल की मांग की, डंडा से कूदा दिया तो सर इनको पेट्रोल डाला, मतलब ये कमले साहब पेट्रोल डालने लगे, मैंने पैसे मांगे तो बस पैसे दे दो तो डंडे से मारने लगे। बाद सर जांग में लगी है हाथ में। क्या पुलिस वालों जी गाली गलौज बहुत की है सर? कल रात लगभग एक बजे दो पुलिस वाले एक पल्सर काली मोटरसाइकिल पे आए थे श्री बालाजी फ्यूल्स बस स्टैंड, जो मेरा पेट्रोल पंप है, नए बस स्टैंड गंज बासोदा। उसमें उन्होंने क्या, मैं 11 बजे पेट्रोल पंप बंद कर देता हूँ रात में, लेकिन ये बोला हुआ है लॉकडाउन की स्थिति में या पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए कि रात में अगर कोई पुलिस कर्मी वगैरह आते हैं वर्दियों तो उन्हें पेट्रोल दे दिया जाए। तो चूंकि वो सो रहे थे तो उन्होंने डंडे मार के उन्हें उठाया, तो कहले हमें पेट्रोल चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब मशीनें बंद हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा तू नीतागिरी कर रहा है, जल्दी दे पेट्रोल पंप जल्दी है। तो उन्होंने कहा साहब टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, मैं दे ही तो रहा हूँ। तो इस बात पर से उन्होंने गाली वाली दी। इसके बाद एक कमलेश रघुवंशी जो मेरा ऑपरेटर है वो एक गाड़ी में पेट्रोल डालने लगा। तो जो दूसरा रोहित यादव था उसने थोड़ा सा पैसे के बारे में चर्चा की, अपने कमलेश से ही की उन्होंने चर्चा, तो कहने लगा तू बहुत नेतागिरी कर रहा है, और वो उसको डंडे से मारने लगे। और जो दूसरा पुलिस वाला था उसने कुछ और लोगों को फ़ोन कर दिया, तो वो चार लोग दो मोटरसाइकिलों पे और आ गए पुलिस के ही। क्या उनके नाम, क्या नाम वगैरह हमारे किसी कर्मचारी को नहीं मालूम, लेकिन वो चेहरा देख के पहचान जाएंगे। वहाँ के कर्मचारियों को कुछ स्टाफ के द्वारा मारपीट करना बताया गया, इस संबंध में भी जानकारी मुझे मिली है। मैं ये सब बोला है कि उसमें जांच करके कौन कर्मचारी थे, उनको नाम भी नहीं आया है, नाम जांच करके क्यों ऐसा विवाद हुआ है, क्यों मारपीट की गई, इस संबंध में जांच करके प्रतिवेदन देंगे और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी।